बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम बेरिया लाइफ। कैसे हैं आप सब? मुबारक हो आपको वीकेंड छुट्टियों का। और आज बनने जा रही है वेरी स्पेशल डिश, बकरे के मगज की। ब्रेन मसाले का तो नाम आपने सुना ही होगा माशाल्लाह से। और आप सबको जहाँ पे भी हूँ खैरियत से हूँ, दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सब में बरकत अदा करे और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्लाह का शुक्र है, मैं और अम्मी जान और हमारे घर वाले भी, बच्चे और बच्चा पार्टी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। साथ ही साथ बताती चलूँ आपको, यहाँ पे मैंने जल्दी से टमाटर को काट के रख लिया है। ये अम्मी दो टमाटर है, एक टमाटर है लेकिन बड़े वाला है। और तो मालूम ही होगा, एक तो हमारे यहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया में बकरे का मगज फ्रोज़न मिलता है, फ्रेश नहीं मिलता, लेकिन ये फ्रेश है। ये उसी बकरे का मगज़ है जो मैंने आपको पहले भी अभी रेसिपी बताई थी, गोट मंडी, गोट लैग और काफ़ी जो डिशेस थी वो हमारी सारी फैमिली ने मिलकर बकरों को जो कोशा करवाया था, ज़िबा करवाया था, उसके बाद जो है ये उसी बकरे का मगज़ है। अब इसमें अम्मी जो है वो टमाटर ऐड करने जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा फ्रेश जो है वो खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। माशाल्लाह खुशबू आ रही है बेहतरीन। और जो है वो छुट्टी का है दिन, आ रहा है बेइंतहा मज़ा और बनने जा रहा है ब्रेन मसाला, बकरे का गोट ब्रेन मसाला, मज़ेदार माँ के हाथ का यमी। ये लहसुन है, ये अम्मी ने इसमें फ्रेश गिलरॉय के लहसुन डाल दिए हैं। गिलरॉय के लहसुन इसलिए कह रही हूँ, अभी हम रिसेंटली जब कासा जी फ्रूट आ गए थे, आपने वीडियोज़ भी बहुत लाइक किए हैं, इंशाल्लाह तआला फिर सुन जाएंगे अब्बा जान के साथ, तो उसमें जो है ये वहाँ से हमने ये फ्रेश गिलरॉय के गार्लिक मशहूर हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, इट्स वेरी पॉपुलर गिलरॉय गार्लिक, इट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट कैलिफोर्निया एंड द सिटी नेम इज़ गिलरॉय एंड देयर गार्लिक इज़ सो पॉपुलर, इट्स सो गुड। सो टुडे वी आर मेकिंग अ ब्रेन मसाला फॉर फ्रॉम गोट एंड right now my mom already put the oil and some onion on it. After the onion a little bit get fried, she add the one tomato. After one tomato she add the couple of like almost four to six cloves of garlic. Now we are waiting for masala, the spices. Now there is a turmeric, one teaspoon of turmeric, one teaspoon of lal mirich powder. You can use whichever one you like, guys. But my mom, she likes Kashmiri lal mirch. And a salt per taste. Half teaspoon. But she's using half teaspoon. Okay, ji. प्याज फ्राई हो गई है, एक टमाटर चला गया है और लहसुन के जवे जो भी हैं 5 से 6 अदद दल गए हैं, वो भी गिलरॉय के गार्लिक। और साथ ही साथ जो है अम्मी ने उसमें हल्दी डाल दी है आधी चम्मच, नमक डाल दिया है आपके जायके अनुसार या आपके स्वाद अनुसार या जैसे आपको पसंद हो, लेकिन उन्होंने आधा ही चम्मच नमक डाला है। और लाल मिर्च आपकी पसंद से, लेकिन अम्मी ने एक चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। आज बनने जा रहा है गोट ब्रेन मसाला, माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेसिपी है, लेस देन 10 मिनट्स में बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें अम्मी ब्रेन ऐड कर रही हैं और ये एक ही बकरे का है। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम पूरी फैमिलीज जो हैं वो मिलके हमने गोट लिया था और फिर हमने उसका ब्रेन है बकरे का, तो हम लोग भी कर लेते हैं। तो ये इस वक्त एक गोट का जो है ये ब्रेन है, बकरे का ब्रेन मसाला बन रहा है माशाल्लाह। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइस, शी इज़ कुकिंग ऑल द फूड ऑन अ हाई फ्लेम, यू कैन सी दैट, low to high flame she's making that one, not like high, bahut zyada tez flame pe nahi bana rahi hai, low to high flame pe bana rahi hai,
मगर झटपट बनने वाली ये डिश है। मोरी नाक की खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह। आपके सामने अभी मैंने वीडियो ऑन की है और ये देखिए लेस देन 10 मिनट्स में बनने वाली है। 10 मिनट तो हो गए हैं जी। हाँ, अभी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए 3 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए ऑलमोस्ट हो रहा है। अच्छा मीजान, कुछ लोग बोलते हैं हमें ब्रेन मसाला में से स्मेल आती है, नहीं तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या आपकी टिप होगी उनके लिए? नहीं, मेरे को नहीं आती। लहसुन अदरक का यूज होता है, लहसुन अदरक का इस्तेमाल कीजिए और ब्रेन मसाला में स्मेल नहीं होती, प्लीज उसे घर ला के ट्राई कीजिए। सेकेंड थिंग ये कि वो कहते हैं कि इसमें जायका समझ में नहीं आता, अगर आप प्रॉपर मसालों का यूज़ करें तो जायका तो उठ कर आएगा। और कोई चीज़ अगर आप उनकी प्रिकॉशन में ऐड कराने चाहें जो मेरे जैसे बिगिनर हों या जो मसाला जिन्होंने मसाला गुड मसाला कभी ट्राई ना किया, एनी टिप्स फॉर द पीपल हु नेवर ट्राई द ब्रेन मसाला? क्लीन देम फर्स्ट एंड देन यूज द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ स्पाइसेस। गर्म पानी में डाल दें और उसकी नसें निकाल दें। Okay, so as she said, make sure you, whenever you purchase a brain masala, but we have a fresh one, as I let you know first, please make sure you clean in a hot water and take off all the, whatever is the extra material on it, and it should be work. If you guys feel the stiffness in my voice, so I was having some ear pain lately, and thank God, I'm a little better than what I was feeling. सो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। भी आपको मालूम है मौसम चेंज हो रहा है, समर का टाइम है, हॉटनेस है, वेदर ऐसा चल रहा है तो तबीयत ऊपर नीचे हो ही जाती है, लेकिन आपके लिए वीडियो तो आनी बनती है। तो ये आपके लिए चल रही है, इसकी लास्ट फोटो खींच लेना होगा। ओके जी, और अब हमारा जो है लास्ट स्टेप होने जा रहा है। सो दिस इज विद इन द 4 मिनट एंड 50 सेकेंड्स देयर इज अ लास्ट स्टेप इज कमिंग अप व्हिच इज कॉल्ड द गरम मसाला, होम मेड गरम मसाला, माँ के हाथ का। माय मॉम मेड इट एंड शी पुट इट, शी गार्निश इट एंड देन योर ब्रेन मसाला इज रेडी टू सर्व। सो विद इन, आई शुड से लेस देन 10 मिनट्स एंड विद इन 5 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स इज ऑल रेडी। इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेरिया लाइफ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे, आमीन। मैं अब चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, अब अम्मी ने डिश आउट कर दिया है और मैं से मज़ेदार ब्रेन मसाला को खाने लगी हूँ सून इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा, बेर या लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद फैंटास्टिक वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेर या लाइफ, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर मोर अपडेटेड एंड फैंटास्टिक वीडियोस। माय ऑल प्रेयर्स एंड गुड विशेज आर विद यू गाइस, मे गॉड गिव अस अ स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड अ हेल्थ and peace in our lives. Amin. Prayers for you all. Thank you very much. Keep watching. Bear your life.